Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pawan Misha and you are watching Auto Trip. तो दोस्तों, कल परसों हमने काफ़ी इन्जॉय किया. हुसैन सागर लेक गए, स्पीड बोटिंग की, बुद्धा स्टैचू देखा, NTR गार्डन गए, बिरला टेम्पल गए, बिरला म्यूजियम गए, और आज है चौथा दिन. तो पहले तीन दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था और आज मैं आ गया गोलकुंडा फोर्ट. सो देर इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव हु इज़ स्टेइंग नियर बाई गोलकुंडा फोर्ट, तो मैं यहाँ पर आ गया. अगर आप हैदराबाद में हैं और गोलकुंडा फोर्ट नहीं देखा है तो आपने कुछ नहीं देखा है. फिलहाल अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं. काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और अब देखना स्टार्ट करते हैं. एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ है. कल मेरी वापसी है यहाँ से बेंगलोर के लिए, मिलूँगा आपसे जल्दी ही. तो आइए स्टार्ट करते हैं. गोलकुंडा फोर्ट का तेलुगु में मीनिंग होता है शेफर्ड्स हिल, और पुराना इसका नाम है मंकल. पहले इसको मंकल बुलाते थे. तो इसको काकतियास के राजाओं ने बनवाया था कोंडापल्ली फोर्ट को बचाने के लिए, जो कि उनके वेस्टर्न पार्ट में पड़ता था. और इसकी हाइट करीब 120 मीटर के आसपास है. उसके बाद फोर्ट को रीबिल्ट किया गया रानी रुद्रम्मा देवी और उनके सक्सेसर प्रताप रुद्रा के द्वारा. और बाद में ये फोर्ट आया मुसुंडी नायक्स के अंडर में, जिन्होंने तुगलकी को हराया था वारंगल में. अर्ली 17th सेंचुरी में यहाँ पर कॉटन की भी इंडस्ट्री आई थी गोलकुंडा में, और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कॉटन का उत्पादन होता था घरेलू रूप से, और एक्सपोर्ट भी किया जाता था. काफ़ी हाई क्वालिटी का कपड़ा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था. अराउंड 1687 में ये मुगलों के पास चला गया ये फोर्ट, और औरंगजेब ने फिर यहाँ पर राज किया था. गोलकुंडा फोर्ट जो है वो हीरे की खान थी. कभी यहाँ पर कोहिनूर हीरा भी यहीं पर बनाया गया था. तो दोस्तों, कहते हैं अगर आप इस पॉइंट के नीचे खड़े होकर, ये पॉइंट मेरे ऊपर, और यहाँ पर अगर आप क्लैप करते हैं या इवन कपड़े पर या शर्ट पर भी ऐसे उंगली से करते हैं तो एक वाइब्रेशन की आवाज़ आती है. मैंने अभी देखा कई लोगों करते हुए, मैं आपको करके दिखाता हूँ. मेरे ऊपर आप देख सकते हैं वो पीछे किला, काफ़ी लोग खड़े हैं वहाँ पर और उसको चढ़ने में काफ़ी समय लगता है. तो आइए वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है. Thank you.
तो फाइनली हम किले की पीक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये। और करीब 45 मिनट लग गए हमको ऊपर से नीचे तक आने में और अब थकावट भी लग रही है। करीब शाम के 5 बज चुके हैं और लौटने का टाइम हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गोलकुंडा फोर्ट का। तो अगर आप हैदराबाद में हैं और यहाँ पर कभी नहीं आए हैं तब भी आपको आना चाहिए, और जो लोग हैदराबाद कभी आ रहे हैं तो उनको भी एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। बहुत अच्छी जगह है ये और भारत के इतिहास को गौरवान्वित करता है ये। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।